हेलो दोस्तों, हाउस प्लानेट टू चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है और मैं हूँ आपका दोस्त आर्किटेक महिपाल। मैं आज आप लोगों लेकर आया हूँ, अगर बात करते हैं उस मकान की साइज की, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारे पास मकान की चौड़ाई है वो हमारे पास है कि 25 फिट, और अगर बात करते हैं हमारी मकान की लंबाई की जो कि हमारे यहाँ पीछे से लेके यहाँ सामने तक है वो हमारे पास है कि 40 फिट है। तो 25 × 40 हमारे पास टोटल मकान का एरिया हो जाएगा और इस मकान के चारों तरफ इनकी खुद की प्रॉपर्टी है। तो चलिए इसकी सामने से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पर 5 फिट 9 इंच बाई 13.5 फिट का यहाँ पर हमारे पास सामने बरामदा बना हुआ है, और बरामदा के जैसे सामने हमारे पास है घर का मेन डोर 4 फिट का। इस मेन डोर को हम जैसे ही खोल देते हैं पहुंचते हैं लिविंग एरिया के अंदर, जिसकी हमारे पास साइज है 12 फिट 9 इंच बाई 13 फिट, जिसकी एक 4 फिट की विंडो सामने और एक 4 फिट की विंडो यहाँ पर निकल रही है। तो यहाँ पर हमारे इस लिविंग एरिया के अंदर सोफे लग जाएंगे। और लिविंग एरिया के इस तरह बात है, यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारे पास है डाइनिंग एरिया, जिसकी हमारे पास साइज है 8 फिट बाई 10 फिट। तो यहाँ पर हमारे पास डाइनिंग टेबल लग जाएगी और इस डाइनिंग एरिया की 4 फिट की विंडो यहाँ पर निकल रही है। डाइनिंग एरिया के सीधा आगे आते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारे पास है ओपन किचन, जिसकी हमारे पास साइज है 10 फिट बाई 10 फिट, जिसकी एक 4 फिट की विंडो सामने और एक 4 फिट की विंडो यहाँ पर निकल रही है। किचन से बाहर आते हैं डाइनिंग एरिया, और डाइनिंग एरिया से बाहर आते हैं तो लिविंग एरिया, और फिर पीछे की साइड चलते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारे पास है स्टेयर। यहाँ से आप करेंगे और यहाँ पर डाउन हो जाएंगे, और 3 फिट बाई 3 फिट हमारे पास स्टेयर केस का लैंडिंग रहेगा। फिर यहाँ पर देखिए 3.5 फिट का दरवाजा, और ये हमारा घर का फर्स्ट बेडरूम है, जिसकी हमारे पास साइज है 10 फिट बाई 12 फिट, जिसकी 4 फिट की विंडो यहाँ पर निकल रही है। और इस बेडरूम अटैच के अंदर यहाँ पर देखिए दोस्तों 2.5 फिट का दरवाजा, अटैच टॉयलेट है, जिसकी हमारे पास साइज है 5 फिट बाई 6.5 फिट, जिसका 2 फिट का वेंटिलेशन हमारा पीछे निकल रहा है। अब इस बेडरूम से बाहर आते तो यहाँ पर देखिए दोस्तों पीछे की साइड चलते हैं तो 3.5 फिट का दरवाजा, और ये हमारा घर का सेकेंड बेडरूम है, जिसकी हमारे पास साइज है 10 फिट बाई 12 फिट 9 इंच, जिसकी एक 4 फिट की विंडो यहाँ पर और एक 4 फिट की विंडो पीछे निकल रही है। और इस बेडरूम का अटैच के अंदर यहाँ पर देखिए 2.5 फिट का दरवाजा, अटैच टॉयलेट है, जिसकी हमारे पास साइज है 4.5 फिट बाई 6.5 फिट, जिसका 2 फिट का वेंटिलेशन पीछे निकल रहा है। तो चलिए एक बार मैं आपको इसको एक साथ दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 25 फिट मकान की चौड़ाई है और 40 फिट मकान की लंबाई रहेगी। यहाँ पर सामने की तरफ बरामदा, ये हमारा घर का मेन डोर, मेन डोर को हम जैसे ही खोलते हैं तो हम एंटर होते हैं लिविंग एरिया के अंदर। इस तरफ आते हैं तो डाइनिंग एरिया, डाइनिंग एरिया के साथ यहाँ पर हमारे पास है किचन। इसके बाहर आते हैं तो यहाँ पर देखिए 3.5 फिट का दरवाजा, ये हमारा घर का फर्स्ट बेडरूम और इसका ही अटैच टॉयलेट। और बाहर आते हैं तो यहाँ पर स्टेयर, स्टेयर कैसे आगे चलते हैं तो यहाँ पर देखिए 3.5 फिट का दरवाजा, ये हमारा घर का सेकंड बेडरूम और इस बेडरूम का ही अटैच टॉयलेट। तो चलिए एक बार मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो अगर ये डिजाइन आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो अपने दोस्तों के बीच में, अपने परिवार के लोगों के बीच में शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल बटन आ रहा है उसको प्रेस करके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों आज इस डिजाइन के अंदर इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद।